हेलो भाई लोग, तो फिर क्या हालचाल। फिर आ गया आपके लिए कुछ नया लेके। आज हमने बनाया डेडपुल मूवी का एकदम धांसू सा प्लेन। ये डेडपुल मूवी में है, बीच के सीन्स में आता है। अगर आपको देखना हो तो देख सकते मूवी। फिलहाल तो मैंने वो प्लेन बना ही दिया। सो प्लेन कैसा है देखने में, वीडियो इसका पूरा देखो। और वीडियो का ज़्यादा मज़ा लेना हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में तो भाई मज़े ही मज़े हैं वीडियो के। इसका स्टार्टअप है, इसमें FPV कैमरा मैंने यूज़ किया हुआ है और टेप्रॉन और थर्माकोल दोनों के मिक्सअप से बना हुआ है। तो प्लेन का लुक आप देख ही रहे, एकदम कतई जहर वाला लुक है। तो ये हमारा भाई शूट कर रहा था इंस्टा वाली वीडियो, उसको नहीं पता था कि यूट्यूब में पड़ रहा। कभी कभी हो जाते हैं भाई। और बाकी तो इसमें इतने नशे हैं ना प्लेन के, देखोगे तो यार मज़ा आएगा। मेकिंग से ज़्यादा तो इसकी फ्लाइंग और लास्ट के वीडियोज़ देखो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यार तुम मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ, मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं आगे। तो वेट करो थोड़ा सा, फिर मज़े देखो। तो फिलहाल तो सैम्पल्स वीडियो हैं ये, इसको आप देखो फिर आगे की बात में। और भाई प्लेन का मॉडल और डिज़ाइन तो देख ही रहो यार, प्लेन कम और मिसाइल तो ज़्यादा लगता है। कितनी बार प्रॉब्लम होगी रास्ते में, कई जगह तो पुलिस वालों ने रोक लिया भाई कि है क्या बवाली चीज़, पर काम चल ही गया कोई ना कोई। तो देख रहे हो भाई लोग, बच्चे प्लेन पकड़ते दौड़ रहे थे। ये एक्चुअली हमारे यहाँ का एयरपोर्ट है जो इमरजेंसी के लिए बना के रखा हुआ आउटर साइड में। सो वहाँ पे अभी कोई प्लेन व्लेन आता नहीं, जब कोई स्पेशल कुछ होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं रनवे को। बाकी ये रनवे क्लोज़ है। सो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे गया और कोशिश की उड़ाने की, तो आसपास के लोग भाई चले आए थे, तो ऑडियंस भी इस बार काफ़ी इकट्ठा हो गई थी। जनरली मैं ऑडियंस के बीच में उड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि जानते हो आपकी फ़र्स्ट टाइम कितनी प्रॉब्लम होती है प्लेन उड़ाने में, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, वो भी ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है। पर यार बेइज्जती कराई प्लेन ने काफ़ी और इज्जत भी रख ली भाई। तो बहुत मेहनत हुई इस बार, बट फाइनली काम हो गया अपना। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखो, लास्ट में मज़ा आएगा, वाकई में मज़ा है। सो चलो इसको बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जनरली मैंने इसका क्या कहते हैं PDF दे दिया है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करो और इस प्लेन को बना सकते हो बिल्कुल कॉपी जैसे मैंने बनाया, डिक्टो सेम टू सेम। और ये जो प्लेन मैंने बनाया है भाई, ये कॉपी वॉपी नहीं है, फिलहाल रिपेल का है, बट ये अपनी खुद की बनाई हुई। इसका सारा मेजरमेंट मैंने खुद से किया हुआ है, कुछ नहीं किसी प्लेन से उठाया हुआ है, बस मैंने डिज़ाइन लिया हुआ है दूसरे का, बाकी पूरा मेजरमेंट अपना है इसका। और आप लोग को मेजरमेंट में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसका PDF दे दिया है लिंक में। PDF में जो लिंक है वो प्लेन थोड़ा सा छोटा है, बट मुझे डबल साइज का बनाना था, सो मैंने PDF का यूज़ नहीं किया, मैंने सेल्फ बना लिया। इसलिए CG का और बाकी के जितने भी झामताम होते हैं, काफ़ी स्ट्रगल हुआ मेरा, बट स्ट्रगल तो हो गई यार कुछ अगर अलग करना है तो। सो बड़ा बनाने के चक्कर में मैंने ये देख रहे हो अब कौन कौन सा आइडिया यूज़ कर करके मैंने कटिंग किया। मतलब मेरे पास फुल साइज का डेप्रॉन शीट था, मैंने हाफ यूज़ किया उसमें, मतलब पूरे टेल में, और नोज में एक्स्ट्रा क्लैंपिंग की, और एक नॉर्मल पेपर से हाफ ऑफ पार्ट्स बनाए। तो आपको इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, और ना इतना बड़ा साइज बनाने का कोई चक्कर है। और बनाना भी होगा तो थोड़ा सा नॉर्मल से कैलकुलेशन से मैं बता दूंगा, आप उसको कर लेना तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसके चल रहे जेट इंजन्स के डिज़ाइन बनाने। PDF में जेट इंजन्स के कोई डिज़ाइन नहीं है, सो इसको नॉर्मली आपको बनाना है। तो ये मेरे पास टेप्रॉन के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, इनको मैंने कटिंग कर लिया। इसके साइजेस में मेजरमेंट कर रहा हूँ, 3 इंच की PVC पाइप से आप बना सकते हो। मेरे पास फिलहाल 3 इंच का एक टिप्पा पड़ा हुआ था, सो मैं उसी से बना रहा था। साइजेस में दिखा रहा हूँ, मेरे टोटल प्लेन का जो लेंथ था अप्रॉक्स आपका 52 इंचेस का था, मतलब 52 इंच, 4 फिट से ज़्यादा का ये प्लेन था। वीडियोज़ में उतना लंबा या लेंथी नहीं दिखाई पड़ता, बट काफ़ी लंबा प्लेन है ये, और लंबा होने के कारण ही इसमें फ्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम है। बट छोटा साइज बनाओगे आप तो नॉर्मल 2200 kV की मोटर इसको आराम से लिफ्ट कर लेगी और आराम से फ्लाई भी कर लेगी। सो कोशिश कीजिए छोटा ही बनाने की, जैसे कि मैंने मेजरमेंट में दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ है इसका लिंक अप, सो आप उसको ट्राई करो। सो जेट इंजन का जो डाया बना हुआ था, मतलब राउंड इसका लिया हुआ था मैंने, ये अप्रॉक्स 35 सेंटीमीटर का था, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 3 इंच के पाइप में इसका सेटअप बैठ रहा था पूरा। तो 3 इंच के पाइप के अकॉर्डिंग भी आप भी किसी कटिंग कर लो, सो सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। और साइजेस तो मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या है मेजरमेंट के।
सारे चीज़ें आप देखते चलो, राउंड के तरीके देख रहे हो। तो अभी लाइट नहीं है, बिल्ली और हमारा तोता दोनों ही टाटा कर रहे हैं। तो नॉर्मली जेट इंजन बनाने के लिए डेप्रॉन्स को आपको पहले राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए सबसे सीधा प्रोसेस आप देख रहे हो, दबा दबा के राउंड होगा, बट नॉर्मल नहीं दबेगा ये, आपको पहले इसके ऊपर टेपिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा ये टूट जाएगा भाई, ठीक है। तो मैंने हाफ हाफ कटिंग कर लिए थे, मैं इसके दो दो पार्ट्स में राउंड करूँगा। तो ऊपर साइड में टेपिंग की है, नीचे टेपिंग नहीं की है, देन मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। तो राउंड कैसे होगा डेप्रॉन आप देख ही रहो, राउंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट प्रॉब्लम नहीं होती यार, हो जाता है, प्रैक्टिस की बात होती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। सो ये कटिंग का प्रोसेस आपका चल ही रहा है। अब पहले इसकी हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं, आधा पार्ट इंजन का हमें नीचे लगाना है, देन आधा ऊपर लगाना है, ताकि विंग को स्ट्रेंथ मिल जाए, क्योंकि प्लेन्स है थोड़ा सा हैवी और जेट इंजन की डिज़ाइन निकालनी है। तो अभी जब इसकी कटिंग मैं काट रहा हूँ, ये सपोर्ट के लिए, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें काटेंगे। तो ये जो राउंड्स मैं बीच के लिए निकाल लूँ, ये एक्चुअली इनको देगा सपोर्ट, ठीक है। साइजेस ऑलरेडी मैंने मेजरमेंट कर लिए। रुको यार, मैं पोपट को अपने शांत करा के आता हूँ, फिर आगे की रिकॉर्डिंग करता हूँ, नहीं तो यार ये लग नहीं रहा करने देगा मुझे आज। रात को यार 3 बजने वाले हैं और कसम से टाइटाइन लगाया हुआ है भाई। छोड़ो, अब प्लेन पे आता है। तो जो पाइप का मैंने पीस लिया हुआ था, सेम उसी के साइड का मैंने सेंटर का काट लिया। मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा फालतू के डेप्रॉन्स पट्टे हुए थे वो, तो सपोर्ट्स देख लो आपको लगाने कैसे, इसी के ऊपर आपको इसकी मोल्डिंग घुमानी है पूरी जेट इंजन्स की। देन चलिए जेट इंजन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हाफ ऑफ करके बनाएंगे ताकि आसान पड़े। तो पहले ऊपर के पार्ट से शुरू करते हैं। लो भाई, चादर से ढक दिया उसको, अब टाटा नहीं करेगा, मे बी। अब शायद आवाज़ सुन के मेरी चिल्लाना स्टार्ट कर दे, बट मे बी चुप हो जाए शायद, कोई नहीं। तो इंजन एक्चुअली लंबा है, डेफ्रॉन्ट उतना लंबा फोल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए तो मैंने हाफ ऑफ कटिंग की हुई है। दो सेक्शन में हम बनाएंगे इसका जेट इंजन। और ये जेट इंजन मैं डेफ्रॉन्ट से इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट वेट हो, थर्माकोल से ही बना सकते हो यार, पूरा इतना झामताम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट राउंड कर सकते हो थर्माकोल को आप एक के ऊपर एक चिपका कर। पर मेरे पास डेप्रॉन पड़ा हुआ था, सो मैंने डेप्रॉन ही यूज़ किया, एक्सेस आइटम था, फालतू की चीज़ थी, तो मैंने यूज़ कर लिया। रीज़न है, मुझे इसके अंदर होल करके इसमें सर्वो का वायर भी क्रॉस कराना था, तो कई चीज़ें देख के मैंने डेप्रॉन का ही यूज़ करके जेट इंजन बनाया इसका, और ताकि फिनिशिंग भी आ जाए। तो बाकी ये देखिए पार्ट्स, एक साइड का मैंने लगा दिया, ये अभी हाफ लगा है ऊपर साइड का। ये विंग को क्योंकि आपको स्ट्रेंथ बहुत देगा, मतलब विंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि आप जान रहे हो 5 mm के मैं विंग पे बना रहा हूँ, तो मैटर नहीं है। और थर्माकोल पे भी बताया ऑलरेडी, जितने भी प्लेन्स मैं बना रहा हूँ या मॉडल्स बना रहा हूँ, ये आप सारे थर्माकोल पे बना सकते हैं। बस कोशिश ये रहेगी आपकी कि थर्माकोल आपको स्ट्रॉन्ग लेना है, मतलब हाई DPI का, मतलब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा हो, ताकि मजबूत हो जाए। क्योंकि भाई नोज़ लंबी है, अभी नोज़ के तो आप हिसाब किताब देखो कितने प्रॉब्लम वाले हैं। नोज़ इतनी ज़्यादा लंबी है इस फ्लेम की कि पूरी फ्लेक्सिबल होती है, कि अगर ये गलती से भी गिरा या छू गया कहीं ना, तो उसकी नोज़ टूटनी टूटनी। बट पूरे फ्लेम में भाई कई बार ब्रेकेज हुआ, नोज छोड़ के सब कुछ टूटा इसमें, पर कोई नहीं, फ्लाई हुआ। तो खुशी मिलती है भाई जब ऑप्शन लगता नहीं है कि कुछ फ्लाई हो पाएगा और उसके बाद हो जाता है, तो बात ही अलग होती है। बाकी भाई रियली बता रहा हूँ, तकरीबन 10 या 15 दिन से परेशान हूँ इस प्लेन के पीछे, मतलब 10-15 दिन हो गया मुझे बनाते हुए। हाँ ये अलग की बात है कि कांस्टेंट 10-15 दिन से नहीं बना रहा हूँ, पर जितना भी समय मिलता था एक्स्ट्रा काम के अलावा वो इसी में लगा रहा था। ऑलरेडी आपके लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेकर आना हूँ, लेके आने वाला हूँ आपका सैटेलाइट है, आपका सैटेलाइट नहीं सॉरी, इस पर शटल डिस्कवरी बना रहा हूँ, वो भी ऐसे ही कचकच वाला प्लेन है, मतलब उसमें भी काफ़ी जानता मैं, क्योंकि उसका इंजन ऊपर का जो सेक्शन है काफ़ी हैवी है, वो सब बाकी चीज़ें। चलो इसको करते हैं पहले। तो इंजन बनाने के बाद फ्लैट कर रहा हूँ बिल्कुल, एमरी पेपर पर रगड़ कर, ताकि बिल्कुल फ्लैट बैठे और विंग ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ का चक्कर आप देखिए हो, जस्ट ऊपर मैं इसको लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये सीधे सीधे टूटने वाला नहीं है, साइड से जो टूटने का ऑप्शन है उसके लिए भी मैंने लास्ट में इसके अंदर वो लगा दिया था, क्या बोलते हैं आपका, सेलो टेप से टेपिंग कर रही थी, और गैपिंग इतनी कम कर दी कि पूरे प्लेन में ज़रूरत से ज़्यादा ही मजबूती आ गई।
कि वाकई में प्लेन गिरा था मेरा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं गिरा, वीडियो में भी शायद होगा आगे क्रैश का वीडियो, बट क्रैश हो या ना हो प्लेन डैमेज नहीं हुआ भाई, वाकई में अल्ट्रा वो मतलब स्ट्रांग था। तो आप इसके जेट इंजन देख रहे हो किस तरीके से आपको बैंड करके लगाने हैं, सो हाफ कटिंग नीचे हाफ कटिंग ऊपर, बाद में दोनों मिला के सेंटर ऑटोमेटिक हो जाएगा और लुक में भी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी पूरी हो जाएगी। अब जेट इंजन के हम नोजल्स बना रहे हैं जहाँ से वैक्यूम करके एयर अंदर जाती है, और इसमें नोज इसलिए स्पेशली बनाई जाती है ताकि अंदर इसमें कंप्रेस्ड हो जाए यार, बट हमें कंप्रेस नहीं करनी थी पर डिज़ाइन वैसे ही देना था, तो थर्माकोल से बना रहा हूँ इसको मैं। ये फिश बॉक्सेस आते हैं जनरली उसी के हैं थर्माकोल, काफ़ी मोटी शीट होती है, वेस्टेज पड़ी थी तो उसी के अकॉर्डिंग काटा है। ये नोजल्स जो हैं आपके 5-5 इंच के थर्माकोल के, मतलब इसकी लंबाई 5 इंच से ज़्यादा है, तो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे फिट होना है, ऐसे ही फिट करना है मैं आगे। पहले फिटिंग करने से पहले हम इसके अंदर का ब्लॉक कटिंग करेंगे ताकि उसके ऊपर मैं इसको फिक्स कर सकूँ। तो मेज़रमेंट सारे सिस्टम का एक ही है, 3 इंच की पीवीसी पे कटिंग करनी है और कुछ नहीं, मतलब 3 इंच की पीवीसी से कटिंग करनी राउंड ये। तो कटिंग करते यार संभाल के काटना, ये उंगली उंगली कट जाए अपना तो कुछ नहीं पर प्रॉब्लम आपको हो जाए। सो नॉर्मल मॉडल्स को भी यार थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहोगे तो रियल प्लेन का लुक आने आपकी बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरी सबसे मेन चीज़, बहुतों को लगता है कि ये बनाएंगे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, भाई रियली बता रहा हूँ जिस मॉडल पे मुझे होप नहीं होती मैं उसको भी उड़ा लेता हूँ, और जो उड़ने लायक होते वो तो उड़ते ही हैं। मतलब मेरा ऑलवेज सीधा सा फंडा है कहने का कि आप कोई भी प्लेन बनाते हो या कुछ भी बनाते और कोई कितना भी कहता है आपसे कि ये फ्लाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यहाँ से टूट जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, मतलब कितना भी ज्ञान कोई बांटता है आपको, ज्ञान ले लो अच्छी चीज़ है, पर अपना कॉन्फिडेंस यार बना के रखो, सब हो सकता है। मतलब कहते हैं ना नथिंग इज पॉसिबल, बस बिल्कुल वही। तो लुक बढ़ाते हैं भी इसका, जेट इंजन का पूरा डिज़ाइन बन गया हमारा, देख रहे हो आप आगे से लेकर पीछे तक, मतलब ऑसम लुक है भाई। प्लेन मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भले ही पसंद ना आए मुझे तो बहुत पसंद है प्लेन। हाँ बट ये है फ्लाइंग में यार, मतलब बिगनर्स को तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको बनाए बिल्कुल भी, तो आप देखो। और देखिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं क्या लेकर आया, ये है एल्युमिनियम का सेक्शन आपका, यू शेप का है, 10 mm का लेकर आया था मैं। ये पूरा चैनल आता है आपका 120 या 130 रुपये का आता है और 11 फिट की लेंथ होती है, ठीक है। इसको मैंने जिप टाई से लॉक कर दिया, अब आपको क्या लग रहा है ये टूटेगा, एल्युमिनियम है बहुत अल्ट्रा लाइट वेट है, प्लस टूटेगा नहीं। देखिए मैं नोज से पूरा प्लेन उठा रहा हूँ, टूटेगा नहीं। अब थर्माकोल को यूज़ लेना है हमें, इसके कैनोपी बनानी है हमें थर्माकोल से, रीज़न है डेप्रॉन को उतना शेप दे नहीं पाएंगे जितना थर्माकोल को दे सकते हैं। तो ये हॉट वायर कटिंग से हम लोग कटिंग कर रहे हैं, हॉट वायर कटिंग आपको मतलब मशीन बनानी है हॉट वायर से थर्माकोल काटने की मशीन, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, मैंने इसके पहले इसकी वीडियो बनाई हुई है तो आप वहाँ से इसको देख के बना सकते हैं, बहुत चीप कॉस्ट में बनता है और होममेड है भाई, पूरी तरीके से आप खुद बना सकते हो, मतलब बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जहाँ तक, और काफ़ी क्राफ्ट में आपके काम आएगा ये हॉट वायर कटर आपका। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, ये कैनोपी का डिज़ाइन बन रहा है, इसके राउंड्स थोड़े से कर्वी थे तो पहले देन ऊपर और नीचे का मुझे अलग अलग शीट बनाना था क्योंकि मुझे जॉइंट्स ऐसे ही करने हैं। तो अब इसकी जॉइंटिंग का टाइम आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये गैपिंग पहले हमने ऊपर की गैपिंग पूरी कर ली, डिज़ाइन देख ही रहो, मैंने एमरी पेपर से रगड़ के इसको स्मूथ कर लिया, शेप आप भी कर सकते हो। और पीछे एल्युमिनियम के सेक्शन पे मैंने थोड़ी सी गैपिंग कर दी ताकि एल्युमिनियम के सेक्शन के बीच में ना, और फिक्स कर दिया है आप देख रहो, क्योंकि नोज़ लगाने से ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा लगाने से मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, टूटने का चांस नहीं था, बट अंदर एल्युमिनियम की स्टिक पड़ी हुई है तो ये ओवर स्ट्रांग हो गया। रियली बता रहा हूँ नोज़ टू नोज़ ये गिरा है प्लेन, बट कुछ भी नहीं हुआ प्लेन में, आप कहो तो मैं आफ्टर वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, कुछ टाइम बाद कहना तो वो भी दिखा दूंगा मैं, इसकी क्लिप भेज दूंगा फोटो। तो प्लेन स्ट्रांग बना है यार, कोई भी चीज़ मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि वेटेड हो जाए बट स्ट्रांग हो, पर वेटेड के चक्कर में इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई मुझे, रीज़न यार 2200 kV का मोटर यूज़ किया, 800-900 ग्राम में भी शायद वो थ्रस्ट निकालता है, और भाई प्लेन का वेट कितना था आपको पता है, 1150 ग्राम का, मतलब 1 kg से ज़्यादा का प्लेन था, ऊपर से FPV कैमरा, उसका ट्रांसमीटर झामताम लगा दिया था मैंने इसमें,
वो एफपीवी के लिए मुझे अलग से बैटरी लगानी थी, देन ओवरवेट और हो जाता तो वो मैंने ड्रॉप नॉर्मल इसकी बैटरी में कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने का प्रॉब्लम ये हुआ भाई कि वीडियोस जनरेट तो ही पर फ्लिकरिंग थी वीडियो में, मतलब ट्रांसमीटर पे मोटर की हमिंग आ रही। तो फाइनली प्लेन बन गया हमारा, मतलब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इसका पूरा कंप्लीट हो गया। आप देख लो अब इसको नॉर्मल सा पेंट करना है, आप चाहे तो ब्लैक कलर की टेपिंग कर लो, और पेंट भी करना है तो एनामल पेंट करना है यार, जिसमें केमिकल्स नहीं मिक्स होते, नहीं तो थर्माकोल या टेफ्लॉन आपको गल जाएगा। तो टेपिंग कर लो, बेस्ट ऑप्शन है यार। और टेपिंग का भी यार मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ कलरफुल टेप्स के, कि कौन कौन से यूज़ करते हैं और कौन सा इजी पड़ता है। मे बी कलर टेपिंग ज़्यादा बेहतर है। हाँ, सेम टू सेम कलर आपको प्लेन का बनाना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटराइज कलर या स्प्रे पेंट भी लाना है, तो टेपिंग करके उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो डायरेक्ट। तो नोज वोज देख ही रहो यार, मतलब कितनी बार तारीफ़ की जाए इसकी, है ही एक काबिले तारीफ प्लेन। डिज़ाइन बहुत अच्छा है भाई, जैसे रियल में ये सक्सेस नहीं हुआ ऑफ हो गया, वैसे मतलब आरसी हॉबी के लिए लुक में नॉर्मल फ्लाई करने में ठीक है, उड़ता सारे प्लेनों की तरह ही है, बस यही है आप ओवरवेट ना करो, और ओवरवेट करते हो तो मोटर आप उस हिसाब से लगाओ। उसमें मैंने 2200 की भी लगाई थी, अगर उसमें 2450 मैंने लगाई होती तो मस्त उड़ता, बट 2200 पे भी उड़ गया, पर रन करके उड़ने में कितनी दिक्कत हो रही थी वो अभी आगे देख लेना आप। तो ये इसके व्हील्स बने मैंने साइकिल के स्पोक से, और ये जो पहिए हैं ये खिलौने से तोड़ के निकाली हुई है भाई, एक बच्चे की रिमोट कंट्रोल कार थी, मैंने पीछे वाले रास्ते से जाके निकाल ही लिया। कटिंग करके लगा दो नॉर्मल जैसे लगाई हुई है, कुछ एक्स्ट्रा साइंस नहीं पहिए में। और इसको मैंने क्या कहते जेट इंजन के पास लगाया, रीज़न है जब लैंड होता है या कुछ भी होता है तो स्ट्रोक में टूटे नहीं। और ये फ्रंट के व्हील्स भी बनाए मैंने डबल करके, और यूनी व्हील टाइप के ही ऑटोमेटिक दाएं बाएं घूम जाते हैं खुद ही, तो अच्छा है। इसमें भी साइकिल का स्पोक यूज़ किया हुआ है, और प्लेन के जैसे रियल व्हील्स होते हैं वैसे ही मज़ा दे रहा है। और प्लेन के व्हील्स बहुत छोटे साइज़ के थे, बट मतलब आरसी प्लेन का जो साइज़ था उसके अकॉर्डिंग ये व्हील्स उसी साइज़ के थे, बट प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब किसी ट्रैक पर उड़ाना हो, रीज़न अब उतना स्मूथ ट्रैक तो आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट आप समझ गए, और ये प्लेन जिस हिसाब से वेट था और ये हाइट थी उसके हिसाब से उसको रनअप लंबा चाहिए था, और जेट इंजन्स जो थे इसके एयर को ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि आप डिज़ाइन देख रहे हो इंडायरेक्टली राउंड शेप है, एयर पास नहीं हो सकती बीच में से, तो ब्लॉकेज हो गई। इसका ESC और मशीनरी सारी कुछ मैंने इसके नीचे फिट कर दी थी, मतलब ये जो बीच का आप शीट देख रहे हो, ठीक है, लंबी वाली गई है, इसी के नीचे मैंने सारी मशीन से कटिंग करके फिट की थी लास्ट में। अभी हम रडर कट रहे हैं, सॉरी एलरॉन कहते हैं इसको, रडर तो बात की चीज़, रडर ऊपर लगता है जो फ्लिप्स लगेंगे इसके, जो मैंने फ्लिप्स लगा दिए हैं। तो एलरॉन और एलिवेटर दोनों मिक्सम को करके चलाना है, मतलब ये डेल्टा विंग की सेटिंग पे चलेगा सीधी सी भाषा में। तो ये स्पोक लेके हमें दोनों ये मतलब राइट लेफ्ट वाले जो इसके विंग से देख रहे हैं इसको ऐड कर लेना है। रीज़न है दो दो सर्वो मोटर तो लगाओगे नहीं यार एक साइड, तो एक ही सर्वो से काम हो जाएगा हमारा दोनों साइड। तो इसको वायर से हुक कर लिया, और ये वायर्स मैं बताया था अंदर से होल करके मैंने आगे निकाल लिया, और सेंटर में जाएगा ये, ठीक है, ये सर्वो के वायर्स है। सर्वो कभी भी लगाइएगा, सर्वो लगाने से पहले उसको न्यूट्रल पोजीशन पे कर लीजिएगा, ये तो बाद में अब एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी जब कंट्रोल हॉर्न ऑन लगाओगे आप। तो देन होल कर लिया मैंने इसको, इंजन के अंदर ही फिक्स कर दिया, वायर से सर्वो दिखाई नहीं पड़ रही थी, मतलब लुक वाइज हर जगह से फिक्स ही था सारा चीज़, कुछ भी ओवर नहीं दिख रहा था इसमें। देन हमारी सर्वो फिटिंग हो गई, फिक्सिंग करने के लिए आप जगह देख ही रहो, सर्वो आगे पीछे दाएं पैर जिधर भी आपको ठीक लगता है वहाँ लगा सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जहाँ लगाया वहीं पे लगाओ, जो आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से काम करो, मतलब हम आपको इनडायरेक्टली थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। और मोटर में पहले से बैक में लगाने वाला था, बट मैंने बैक में ना लगा के इसको फेंस के बीच में लगा दिया, और पहिए का हाइट भी बढ़ाया हुआ था, सो इसके पीछे रीज़न था बीच में लगाने का। कुछ लोगों ने मुझे कहा था बैक साइड लगाने में, वो उनका कहना बिल्कुल परफेक्ट था, बस सेंटर में लगाने का मेरा इतना रीज़न था कि जब प्लेन टेक ऑफ होगा, मतलब आपका रनवे पे उड़ेगा और उठने की कोशिश करेगा और व्हील्स आगे होंगे ना, तो फैन आपका ज़मीन में टच हो जाएगा अगर बैक साइड में बिल्कुल होगा, सो मैंने इसको आगे कर दिया। अब मतलब थ्रो करके उड़ाना होता तो ठीक था, कोई इशू नहीं था, बट रन करा के उड़ाने में पीछे बैक साइड में जैसे ही नोज अप होती बैक डाउन हो जाती, तो और फिर कैसे ज़मीन में लड़ते और सारे पंख पंख टूट टाट के हाथ में आ जाते, तो उसको मैंने बीच में करना ही बेहतर समझा, तो मैंने बीच में लगा दिया इसको। और सर्वो के हॉर्न से आप देख रहे हो कैसे लगाया, इसको भी मैंने साइकिल के स्पोक से बनाया, ये हमारा ट्रांसमीटर,
फ्लाई स्काई का है 10 चैनल का, आप 4 चैनल यूज़ कर सकते हो। 10 चैनल तो हमारा एक्स्ट्रा काम के लिए हमने लिया हुआ था, क्योंकि हर चीज़ में यही यूज़ करते हैं। सो 4 चैनल का ट्रांसमीटर इनफ है आपके लिए, और कनेक्शन इसके नॉर्मल है। चैनल नंबर 2 पे हमने ESC का दिया हुआ है कनेक्शन, ठीक है, और 3 और जो इसका 4 नंबर है, ठीक है, उस पर हमने वो दिया हुआ आपका एलिवेटर ऑलराउंड का कनेक्शन। ये आप अभी नॉर्मल देख रहे हो, तो राइट लेफ्ट जो हो रहा है, अभी डेल्टा विंग की सेटिंग करनी है मैं इसकी, ठीक है। तो इसके विंग फिंग्स में चेक कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सारी चेक कर रहा था, सब अपनी जगह मेजर है कि नहीं, देन इसको लास्ट में नीचे फिक्स कर दूंगा इसमें, मतलब बेस में। और बेस में आसानी से फिक्स कर सकते हैं, डिज़ाइन है बेस का, सेंटर का जो कैनोपी मैंने लंबा वाला बनाया, काफ़ी स्पेस है उसके अंदर, तो सब फिक्स हो जाएगा। पेंटिंग करने में यार मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने जो एनामेल पेंट किया था वही है, आप देख रहे हो फिनिश आ नहीं पाया, उस हिसाब से रीज़न है। थर्माकोल थोड़ा थोड़ा सा कहीं डल गया था, मुझे पेंट थोड़ा सा मिक्सअप वाला मिल गया था, और जहाँ पर टेपिंग थी वहाँ पर शाइनिंग आ गई, तो मुझे लगा स्प्रे का डल ब्लैक ही करना बेहतर होता, बट अब कर चुके थे, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, सो नॉर्मली। और स्टिकरिंग जो मैंने की हुई है ये नॉर्मल है, SR लिखा हुआ है या US एयरफोर्स जो भी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें पेपर से बनी हुई है। और ये रेड कलर्स के जो दिख रहे हैं ये भी आपके सेलो टेप से पैकेजिंग वाले हैं, इनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कटिंग करने का तरीका, पैटर्न, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दूँ, आवाज़ से देख के समझ सकते हो। बाकी प्लेन के आप पूरे डिज़ाइन को देख रहे हो, फुल्ली पेपर से बना हुआ डिज़ाइन है इस पर, और पेपर से बनाने के लिए भी कोई मैंने प्रिंट आउट या प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने खुद से हाथ से बन, मतलब हाथ से ड्रॉ करके कटिंग किया। आप सोचोगे आपने, हमने हाथ से ड्रॉ करके कैसे कटिंग किया, नॉर्मल यार, किसी भी ड्राइंग का स्क्रीन शॉट मारो, पिक्चर को पॉज करो, उसके ऊपर मतलब पेपर रख के ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अभी आ गए एयरपोर्ट पर अपने, और मजाक नहीं करो, ये सच में एयरपोर्ट है, बट ये है कि ये क्लोज है, कि हमारे यहाँ पर 3 एयरपोर्ट है, तो ये एयरपोर्ट इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, इसका यूज़ नहीं होता, तो किनारे कर दिया। ये भाई हमारा वीडियो बना रहा था, ये वीडियो बनाने में एक्सपर्ट तो है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये इंस्टा के शूट करता है, तो इंस्टा के स्टाइल में वीडियो शूट कर रहा है, तो देख लिया जब मैंने बोला तो कैमरा सीधा कर लिया। हमारे गुड्डू भाई हैं, बहुत बढ़िया आदमी है भाई, सुबह 5 बजे गए थे मेरे साथ, मतलब क्या ही कहा जाए। और रियली भाई लोग काफ़ी मेहनत की है इस प्लेन में भी, तो वीडियो अगर अच्छी लगा करे ना यार, तो कमेंट और सस्ते नसीब देखो, पहले कमेंट तो बाद में कर लेना। प्लेन का भाई मूवमेंट घूम गया, रीज़न नहीं है, RCC रोड है इस बार, प्लेन रास्ता ना था हमारा, क्या करोगे भाई, पर वही कंडीशन है ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, इस बार पहिए तोड़ गए प्रॉब्लम। नीचे आप रैपिंग देख रहे हो ना, मतलब इतने गड्ढे टाइप के नहीं है, विचार कितने हैं कि पहिए चल नहीं पाए इस पर, पहिए बहुत स्ट्रांग थे, पर काम बना नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन अपना वही हाथ हुआ तो वाला भैया, हाथ से हिला के फेंक दिया, मतलब हाथ से ही फेंक दिया प्लेन को, तो नॉर्मल फ्लाई हुआ। फ्लाइट टाइम हमें मिला नहीं, क्योंकि रनवे पे दौड़ाने में इधर उधर में काफ़ी बैटरी खर्च हो गई थी, और FPV भी अच्छी खासी बैटरी खा गया था, और FPV का शॉट में डालने के चक्कर में था, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, इसलिए मैंने लास्ट में FPV नहीं डाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ऐड कर दूंगा, FPV का जो आपका सेटअप था। बाकी प्लेन आप देख लो, जैसे नॉर्मल सारे प्लेन उड़ते हैं वैसे ही फ्लाई हुआ, बस वही है टेक ऑफ के टाइम में प्रॉब्लम है इसकी, और टेक ऑफ में टाइम में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो रनवे आपको अच्छा चाहिए, ठीक है, रनवे मतलब ठीक ठाक रनवे, और मोटर तो थ्रस्ट ही चाहिए। 2500 KV में आप मोटर का देख रहे हो थ्रस्ट, ऐसा नहीं कि हाइट नहीं पकड़ेगा या ऊपर नहीं जाएगा, बट विंडी एरिया था, हवा चल रही थी काफ़ी, तो इसको अपनी लिमिट में ही उड़ा रहा था, और कैमरे में शूट भी हो जाए, नीचे छोटा सा ऊपर जाके मक्खी की तरह दिखाई पड़ेगा तो बेनिफिट नहीं था, तो मैक्सिमम नीचे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो वीडियो बस यहीं तक था, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पे आ गए थे, मतलब यार नए वाले, तो भाई उन लोग को भी आप देख लेना। तो यार वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत लगी हो उसमें थोड़ी सी भी, आपको लगता है कुछ तो वीडियो पर कमेंट, और नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मतलब गुड डे।